चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमने तो सदैव से मजलूमों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी हमारा मिशन अधूरा है। जैसे बाबा साहब का मिशन अधूरा है, वक्त बदलेगा, निश्चित बदलेगा, और राष्ट्रीय लोकदल का भी वक्त आएगा। नहीं तो हम तो कह दे जहां बैठ गए तो बैठ गए। आज की राष्ट्रीय लोकदल इस मीटिंग के किसानों और अमीरों की सरकार कहे जाने वाले आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, अहमद अमीर जी, हमारे साथ के विधायक रहे अजय तोमर जी, प्रसन्न चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष तेजपाल जी, राष्ट्रीय लोकदल के किसान सेल के अध्यक्ष अमरजीत जी, वे मंचा सिंह, मेरे सभी साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, साथियों, पहले तो मैं इस मीटिंग के आयोजनकर्ता अपने छोटे भाई मनोज धामा व रंजीता धामा को शुभकामनाएं देता हूं कि जो जो अभी आपने मंच पे भी कहा और जो आपने राह पकड़ी है, भगवान आपको उस पर कायम करे। और जब जयंत चौधरी जी का फैसला हो गया तो सफलता तो जो राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट होगा उसको निश्चिंत मिलेगी, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी को सुनने का है। और एक अफसोस रहा है, और तीन अगर चौधरी अजीत जयंत जी की और अखिलेश जी की मीटिंग तय समय पे होती तो कितना ही कुछ हो जाता, परिणाम कुछ और होता। और ज्यादा ना कहकर चौसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं, निर्णय लेने का काम आपका है। लेकिन जो निर्णय आप लेंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, वो निर्णय मील का पत्थर होगा। और हमने तो सदैव से मजलूमों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, किसानों की और कमेरों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी हमारा मिशन अधूरा है। जैसे बाबा साहब का मिशन अधूरा है, लोहिया जी का मिशन अधूरा है, इसी तरह से अभी चौधरी चरण सिंह जी का भी मिशन अधूरा है। और ये मिशन तभी होता है जब छोटी सत्ता और बड़ी सत्ता आपके साथ हो। वक्त आने पर बड़ी सत्ता के चुनाव होंगे, लेकिन ये छोटी सत्ता का चुनाव है,
छोटी सत्ता के चुनाव को भी हम हल्के में नहीं लेंगे और निश्चित रूप से इस चुनाव की धारा को हम लोकदल के हित में मोड़ने का तहे दिल से प्रयास करेंगे। साथ ही मैं भाई अपने मनोज धामा से भी कहना चाहता हूं, आज पुराने लोकदली नहीं दिख रहे हैं, उन्हें मनाइए समझाइए और हमारी जरूरत हो तो हमें बताइए, हम मनवाएंगे। पार्टी और संगठन पे बहुत जगह झुकना पड़ता है, बस अब आप इतना इशारा काफी है, आप समझिए, बाकी तो जब साहब की बात है, चौधरी साहब का आदेश है या जो आदेश होगा उस निर्णय को हम प्रयास करेंगे, क्योंकि वैसे भी लोनी की जनता बहुत भोली है, मासूम है, और इसका दुर्भाग्य है जब से खेकड़े से हटा है इसके चेहरे पर विशेष तौर से दलितों के, अल्पसंख्यकों के, किसानों के, कमेरों के चेहरे पर पूर्ण मुस्कान नहीं आई है। लेकिन मैं वादा करता हूं वक्त बदलेगा, निश्चित बदलेगा, और राष्ट्रीय लोकदल का भी वक्त आएगा, हमारा राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का निश्चित रूप से वक्त आएगा। बस अब हमारे राष्ट्रीय लीडर चौधरी जयंत जी के विचार आप सुनेंगे, बिना मीटिंग के आप हमारे विचार सुनते ही रहते हैं, अब ये आदेश था पार्टी की तरफ से, इसलिए कहना पड़ा, नहीं तो हम तो उन्हें कह दे जहां बैठ गए तो बैठ गए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि लोनी की प्रथम नागरिक हैं।